So students come to the new state, that is Haryana. Capital and other cities are Chandigarh is the capital city of Haryana, which it shares with Punjab. Okay, so इसकी जो है कैपिटल सिटी है वो भी क्या है, हमारी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी चंडीगढ़ है, याद रखिएगा. फरीदाबाद इज नोन फॉर इट्स इंडस्ट्रीज, जो फरीदाबाद है वो उसकी इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, मीन्स वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं. पानीपत इज अ हिस्टोरिकल टाउन, पानीपत जो है वहाँ पर क्या क्या है, हिस्टोरिकल टाउन है. वाइल्ड कुरुक्षेत्र इज एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर, और वहीं जो कुरुक्षेत्र है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पिलग्रिमेज सेंटर है, मतलब लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं. रिवर्स, द रिवर यमुना फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. तो यमुना रिवर जो है कहाँ पर फ्लो करती है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है वहाँ पर फ्लो करती है. उसके बाद घग्गर फ्लोज फ्रॉम द नॉर्दर्न एज ऑफ द स्टेट, तो जो नॉर्दर्न एज है स्टेट का वहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है, घग्गर रिवर फ्लो करती है. और द रेस्ट ऑफ द लैंड इज वाटरिंग बाय कैनल्स दैट ब्रिंग वाटर फ्रॉम पंजाब, और बाकी लैंड जो है पंजाब से लाए गए जो वाटर कैनल्स होती हैं उसके थ्रू जो है उसको लैंड को वाटर्ड किया जाता है, पानी आता है वहाँ पर. अब यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन देखिए, नॉट मच नेचुरल वेजिटेशन रिमेन्स इन हरियाणा, मीन्स कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन नहीं होता है. एज मच ऑफ द लैंड इज यूज टू ग्रो क्रॉप्स, द सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट हैज़ सम स्क्रब वेजिटेशन, जो सदर्न पार्ट है स्टेट का वहाँ पर क्या है, स्क्रब वेजिटेशन है. स्क्रब वेजिटेशन मीन्स क्या होता है, वहाँ पर बहुत कम प्लांट्स वगैरह हैं. वाइल इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ट्रीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स हैव प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड कैनल्स, वहीं जो नॉर्दर्न पार्ट है स्टेट का, ठीक है, वहाँ पर जैसे रोड होती हैं और कैनल्स होती हैं, तो उसके किनारे किनारे आसपास देखा होगा आपने, कुछ रोड्स के आसपास जो है प्लांटिंग कर दी जाती है, ट्रीज जो है वहाँ पे लगा दिए जाते हैं. तो वही चीज़ है वहाँ पर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपको ट्रीज या प्लांट्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन रोड्स और कैनल्स के आसपास जो है वहाँ पर आपको दिखाई देंगे. उसके बाद एक क्रॉप्स, वीट राइस एंड कॉटन आर ग्रोन इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट्स, तो इस स्टेट के बहुत सारे पार्ट्स में हमें क्या मिलता है, वीट राइस एंड कॉटन जो है वहाँ पे मिलता है. ऑक्यूपेशन क्या है, एज इन ऑल स्टेट्स ऑफ द प्लेन्स एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, तो वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, हमारा एग्रीकल्चर है, ठीक है. मैनी फार्मर्स ऑल्सो कीप काउज एंड बफेलोज फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और वहाँ पे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो क्या रखते हैं, काउ एंड बफेलोज भी रखते हैं मिल्क प्रोडक्ट के लिए. पीपल इन द टाउन ऑल्सो वर्क इन द मैनी फैक्ट्रीज देयर, और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो टाउन्स में रहते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज में वर्क भी करते हैं. अभी बताया था ना मैंने कि वहाँ पे फरीदाबाद जो है क्या है, वो वहाँ पर इंडस्ट्रीज है, फरीदाबाद इज़ नोन, ये देखिए लिखा है ना, अंडरलाइन भी किया है मैंने, फरीदाबाद इज़ नोन फॉर इट्स इंडस्ट्रीज, तो इसलिए वहाँ पे लोग जो है फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं. अब चलते हैं हमारे कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज़ दिल्ली. सो दिल्ली इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री, दिल्ली जो है कंट्री के सभी स्टेट से डिफरेंट है. इट हैज़ द कैपिटल ऑफ आर कंट्री, ये हमारी कंट्री की कैपिटल है न्यू दिल्ली. दिल्ली एंड न्यू दिल्ली टुगेदर आर वन बिग सिटी, ठीक है, दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों ही क्या है, एक बहुत ही बड़ी सिटी है, एक ही सिटी है ये, ठीक है. देयर इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द स्टेट, वहाँ पर क्या है दिल्ली में, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहीं पर है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वहाँ पर. ऑल्सो हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टेट, और स्टेट्स के लिए उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं. गुड़गांव इन हरियाणा एंड नोएडा इन उत्तर प्रदेश आर वेरी क्लोज टू दिल्ली, हरियाणा का जो गुड़गांव है और उत्तर प्रदेश के जो नोएडा है, ठीक है, वो दिल्ली के बहुत ही पास में है. पीपल ट्रेवल टू एंड फ्रॉम वर्क बिटवीन दीज सिटीज एंड दिल्ली, और पीपल जो हैं गुड़गांव में भी जॉब करते हैं, नोएडा में भी करते हैं और दिल्ली में भी करते हैं, मीन्स कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी जाते हैं, क्योंकि गुड़गांव जो है कहाँ है, वो हरियाणा स्टेट में है,
और नोएडा कहाँ है, उत्तर प्रदेश स्टेट में है। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो गुड़गांव और नोएडा भी जो है जॉब करने के लिए जाते हैं। उसके बाद रिवर्स देखिए, दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यमुना के बैंक पर सिचुएटेड है। क्रॉप्स क्या है यहाँ की, क्रॉप्स लाइक वीट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन सम एरियाज। यहाँ पे वीट और वेजिटेबल कुछ एरिया में ही ग्रो की जाती है। देखिए अब आपको एक पिक्चर दिखाई देगी, द कुतुब मीनार इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। आप सब भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं इससे, कुतुब मीनार से, सबने ही पिक्चर में देखा होगा या फिर रियल में भी देख रखा होगा। सेकेंड पिक्चर क्या है मेरी, द राष्ट्रपति भवन रेजिडेंस ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन है किसका रेजिडेंट है, वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे। दिल्ली इज़ एन ओल्ड सिटी दैट हैज़ मैनी सिग्निफिकेंट बिल्डिंग्स। दिल्ली जो है बहुत ही ओल्ड सिटी है और वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। संसद भवन जिसे कि हम पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं, एंड राष्ट्रपति भवन आर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ठीक है, जो संसद भवन है और राष्ट्रपति भवन है वो किस तरह की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग। अगर आपसे पूछा जाए हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स तब आप बताएंगे रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लेकिन अगर आपसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बोला जाएगा तब आप बताएंगे संसद भवन एंड राष्ट्रपति भवन। ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ के लोगों का, अ लॉट ऑफ पीपल इन दिल्ली वर्क इन मैनी गवर्नमेंट ऑफिसेज हियर। तो दिल्ली के बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, देयर आर ऑल्सो सेवरल मीडिया एंड न्यूज़पेपर ऑफिसेज वेयर मैनी पीपल वर्क। यहाँ पे बहुत सारी मीडिया भी है और न्यूज़पेपर ऑफिसेज भी हैं। अदर्स वर्क इन द यूनिवर्सिटीज़, द और लोग जो है यूनिवर्सिटीज़ में वर्क करते हैं। वेरियस एजुकेशनल सेंटर्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफिसेज, और यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स भी हैं और डिफरेंट काइंड्स के ऑफिसेज भी हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि लोग वर्क करते हैं। ऑक्यूपेशन बहुत ही अच्छा है अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो। हमारा लास्ट स्टेट आता है उत्तर प्रदेश। कैपिटल एंड अदर सिटीज, लखनऊ इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी। यहाँ की जो हिस्टोरिकल सिटी है वो क्या है, लखनऊ है, विद ब्यूटीफुल ओल्ड मॉन्यूमेंट्स। यहाँ पे क्या है, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स भी मिलते हैं, एंड इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, और वह क्या है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है। सो विच इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ, लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश।